नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। यह हादसा सोमवार की सुबह कलमना के डिप्टी सिग्नल रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। मृतक पुरुषोत्तम सदाशिव बावने बालाजी नगर है। बावने सुबह 11:30 बजे बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, ट्रक ने टक्कर मारकर उसे जख्मी कर दिया। उन्हें मेवो अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया। कलमना पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। तो वही दूसरी ओर युवक पर हमला, चाटा मारे जाने से नाराज अपराधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात रविवार रात कोराडी के जयभीम नगर में हुई। आरोपी मेहुल पाइक राव, उसका भाई अक्षय पाइक राव, निखिल मडावी, आशीष गुप्ता महादुला है। 24 वर्षीय प्रदीप उर्फ लाली पोटवार जयभीम नगर में रहता है। उसने रविवार रात मेहुल को चाटा मारा। मेहुल ने अपने भाई और साथियों की मदद से लाली पर हमला कर दिया। डंडे से पीट पीट कर लाली की हत्या का प्रयास किया। कोराडी पुलिस ने हत्या के प्रयास तथा दंगे का मामला दर्ज किया है। तो वही तीसरी ओर चाकू से हमला कर 87,000 लूटे। निजी फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि पर चाकू से हमला कर 87,000 रुपए लूट लिए गए। यह घटना शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार को सुबह 9 बजे के करीब हुई। इसमें सुमंत गोगरकर घायल हो गया। वह स्टेट बैंक चौक स्थित फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में 2 दिन छुट्टी होने से वसूली के 87,000 रुपए लेकर जा रहा था। उसी दौरान दुपहिया का पेट्रोल खत्म हो जाने से उसे ढकलते हुए ले जा रहे थे। उन्हें अकेला देखकर अज्ञात चोर लुटेरों ने उन्हें रोका और चाकू से हाथ और पैर पर वार कर घायल कर बैग छीनकर भाग गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।